राम जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कि जैसे कि मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, व्यक्ति जिनसे पीछा छुड़ाना चाहता है पर वो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि वह व्यक्ति आगे बढ़े, तरक्की करे, उसके पास गाड़ी बंगला पैसे कमाए, गाड़ी बंगला और सब तरह की सुविधाएँ हों, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ उसके पास हो, ऐसा सपना हर व्यक्ति देखता है। दोस्तों इस सपने को कुछ लोग तो साकार कर पाते हैं, कुछ लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं लेकिन वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते या फिर वो सोच ही नहीं पाते इस बारे में। लेकिन वो जब दूसरे की उन्नति देखते हैं, दूसरे की तरक्की देखते हैं, तो उसी समय उनके मन में ईर्ष्या, शत्रु और वैमनस्य का भाव पैदा हो जाता है। दोस्तों और भी यदि आपको उपाय अच्छे से जानने हैं और पढ़ने हैं तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल हम आपको दे रहे हैं और इसमें हम आपको और भी सेवाएं दे पाएंगे। आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से अच्छे उपाय के वीडियोज़ इसमें आपको ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ बढ़िया होगा। और दोस्तों ये जो लोग होते हैं ये कोई बाहर के लोग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो अपने ही होते हैं, यानी आपके जो आत्मीय जन यानी कि आपके आसपास जो लोग पड़ोसी रहते हैं, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन वो आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं और ऐसे आपको द्वेष करने लग जाते हैं, यानी कि वह शत्रुता की चरम सीमा को पार कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, मतलब आपके सक्सेसफुल व्यवहार से यानी कि आपके सक्सेसफुल होने से वो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और आपसे दुश्मनी कर लेते हैं। दोस्तों आज के कलयुग के समय में दुश्मन इस तरह से बढ़ते हैं जैसे कि सावन में घास पैदा होती है, उस तरह से लोग दुश्मन बनते जा रहे हैं और दुश्मन पैदा होते जा रहे हैं। और इन दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सिंपल और सरल सा उपाय अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि सरसों के तेल और दिए का एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। दोस्तों यदि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं, आपके पितृदेवता यदि आपसे खुश हैं, तो इस उपाय से आपके जीवन में कोई शत्रु या जो शत्रु बाधा चल रही है तो वो शत्रु बाधा जरूर खत्म होगी। इस टोटके को, इस उपाय को आपको किसी भी दिन आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल शनिवार को करें या मंगलवार को करें, रविवार को करें, ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय आपको शाम के समय करना है। यदि आप शाम के समय करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सिद्ध होता है, और दिन भर आप इस उपाय को फिर भी दिन भर भी कर सकते हैं, तो आपको जब भी टाइम मिले जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। शाम को समय मिलता है तो शाम को 5 से 7 के बीच में इस उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने उपाय कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके शत्रु की वो ऐसी दशा हो जाएगी कि वह कदम कदम पर असफलता का सामना करेगा और आपके सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो जाएगा, आपसे दूरी बना लेगा, यानी आपकी ज़िंदगी से वो शत्रु न तो द्वेष रखेगा, न वैर रखेगा, कुछ भी नहीं रखेगा, दुश्मनी भी ख़त्म कर देगा। इस तरह का उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपके सामने शत्रु हाथ जोड़ने को मजबूर हो जाएगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, लेकिन फिर भी आप यदि उसे क्षमा कर देते हैं तो कर देंगे। तो दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दीजिए, ताकि आप पर भी बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा होगी। और साथ में ही हर हर महादेव जरूर लिख दे दोस्तों, जय श्री राम लिखें। दोस्तों महादेव भी कल्याणकारी हैं, वो आपको जरूर कल्याण आपका करेंगे। और इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो ये वीडियो बालाजी सरकार का ही है, उन्हीं की आशीर्वाद से वीडियो मैंने बनाया है, तो आप पर भी बालाजी सरकार जरूर कृपा करेंगे यदि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो। साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको ये वीडियो जब पता लगेगा और उस इंसान को जिसको आपने शेयर किया है उसका फ़ायदा हो जाता है तो वह आपको दुआ देगा और आप पुण्य फल कमाएंगे, क्योंकि यदि उसका अच्छा हो जाएगा तो आपको दुआ जरूर देगा दोस्तों। अब दोस्तों क्या है उपाय, ध्यान से सुनिएगा।
आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। अब आपके सपोज तीन शत्रु हैं, मान लीजिए तीन शत्रु हैं, दो शत्रु हैं, तो तीन शत्रु भी यदि आपके हैं या एक ही है या दो भी है, तो आप एक खाली कागज बिना लाइन का कागज लें और उसमें काले पेन से यानी काले कलर के मार्कर से आप उस शत्रु का नाम लिखिए। मान लीजिए एक शत्रु है तो एक शत्रु का नाम, दो है तो दो शत्रु का नाम, तीन है तो तीन शत्रु का नाम, लेकिन तीन से ज़्यादा शत्रु हैं तो आपको नाम नहीं लिखना है। तीन से ज़्यादा शत्रु है तो आपको शत्रु के नाम नहीं लिखने, फिर आपको केवल क्या लिखना है, केवल कागज पर काले पेन से शत्रु लिखना है, ठीक है। तीन शत्रु यदि आपको नाम याद है तो लिख दीजिए, एक का है तब भी चलेगा, दो है तब भी चलेगा, तीन है तब भी चलेंगे, लेकिन तीन से ज्यादा फिर शत्रु के नाम नहीं लिखने, आपको केवल कागज पर शत्रु लिखना है। अब आपको क्या लेना है, आपको एक, अब वो कागज कितना बड़ा लेना है, कागज की एक पट्टी लेनी है, पतली सी पट्टी लेनी है। उसका काम क्या है मैं आगे बताऊंगा कि क्यों मैं पट्टी बोल रहा हूँ, हद की जो बिल्कुल बारीक सी पट्टी चिंदी होती है जिस पे बस नाम आ जाए, इतनी सी पट्टी आपको लेनी है। अब आपको एक रुई लेनी है और रुई से आपको बत्ती बना लेनी है। जब आप बत्ती बनाएंगे तो आपको वो जो कागज जिस पे आपने शत्रु लिखा या फिर आपने जो नाम लिखे हैं तीन या एक या दो, वो कागज की पट्टी को आपको उस पत्ती में ही लपेटना है किसी तरह से, और आपको बत्ती बना लेनी है। बत्ती बना करके आपको उसमें सरसों का तेल डालना है और शत्रु और सरसों का तेल डालने के बाद, जब आप सरसों का तेल डालेंगे तो तेल डालने के बाद जैसे कि आपके आपने लिखा वहाँ कागज में शत्रु, तो आपको दो लौंग लेनी है क्योंकि शत्रु में दो अक्षर हैं, दो अक्षर के कारण आपको दो लौंग लेनी है। मान लीजिए किसी शत्रु का नाम अजय है और आपने अजय लिखा तो उसमें तीन अक्षर हैं तो आपको तीन लौंग डालने हैं। और यदि आपको तीन, आपके कितने शत्रु, मान लीजिए तीन शत्रुओं के नाम है तो उनके अक्षर गिन करके आपको उतनी ही लौंग उस दिए में डालनी है। अब आपको क्या करना है, ये पाँच से सात के बीच में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आप क्या करें, यदि आप चाहें तो आप छत पर जा सकते हैं और छत पर इस दिए को जला सकते हैं, और यदि शाम के समय की बात है, शाम को पाँच से सात के बीच में इसको करना है, और यदि आप छत पर नहीं जाना तो कहीं निर्जन स्थान पर भी जा सकते हैं, वहाँ जाकर भी इस दिए को जला सकते हैं। और यदि आप वहाँ भी नहीं जाते, यदि मान लीजिए आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो सबसे ही बढ़िया, पीपल के पेड़ के नीचे इस दिए को आप जला सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके जो पूर्वजों की कृपा है। अब दोस्तों उसको जलाना कैसे है ध्यान से समझ लीजिए। पहले आपको दिया जलाना है, लौंग आपको घर से ही ले जानी है, गिन करके कितने अक्षर की हैं उतनी ही लौंग आपको घर से ले जानी है। दिया आप जलाएं, दिया जलाने के बाद आप उसमें उतनी ही लौंग डालें जितने अक्षर हैं उतनी आप लौंग डाल दें दिए के अंदर, और दिए के अंदर लौंग डालने के बाद दिया पूरा जल जाएगा। आप सीधे घर पर आ जाएं बिना किसी से बातचीत किए, ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई रोके टोके नहीं या आपको कोई ये क्रिया करते हुए कोई टोक न दे, कोई देख न ले, इसलिए निर्जन स्थान पे इसलिए बोल रहा हूँ या फिर छत पे इसलिए बोल रहा हूँ। यदि आपके छत पे आसपास पड़ोसी आपको देखते हैं तो फिर आप ये उपाय छत पे नहीं कर सकते, है ना। और यदि आप सड़क पर किसी बिजी स्थान पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ भी इस उपाय को नहीं कर सकते कि हो सकता है कि कोई आपको टोक दे रोक दे, है ना, या आपसे बातें करने लग जाए, तो आप किसी निर्जन स्थान पर जाकर ही इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको कि इस दिए को जला करके आपको लौंग, पहले दिया जलाना है फिर लौंग उसमें डालनी है और फिर आ जाना है, देखना नहीं है। दिया इस तरह से जलाना है कि दिया पूरा जले और उसमें पड़ी हुई लौंगें भी पूरी पूरी जल जाए। अब जब आप घर आएंगे तो घर पर बिल्कुल सीधे आ जाइए और सीधे आकर के आपको हाथ मुंह धोने हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपका जो दुश्मन है वो आपके पैरों में झुक जाएगा, आपके पूर्वजों का आपका आशीर्वाद होगा, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद होगा, और वो दुश्मन जो है वो आपके चरणों में झुक जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया से भी उठ सकता है दोस्तों, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये क्रिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको समझने में अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ये आप जरूर कह सकते हैं कि गुरुजी हम इस उपाय को करने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों ऐसा करने से हमें पता लगता है कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय कितने लोग कर रहे हैं। ये उपाय
बहुत ही ज़बरदस्त है। सरसों के तेल का उपाय है और इससे शत्रु नाश बहुत ज़बरदस्ती होता है, इसलिए इस उपाय को करते समय ये सावधानी जरूर बरतें कि आप किसी नॉर्मल इंसान यानी कि जो आपका दुश्मन नहीं है, छोटी सी मामूली अदावत के लिए इस उपाय को नहीं करना है आपको। जो आपकी जान पे बनाया है, जो दुश्मन आपकी जान लेना चाहता है या बहुत ज़्यादा आपसे परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे दुश्मनी कर रहा है, उसके लिए यह आपको करना है। तो दोस्तों, ये वाला जो कार्य है आप ज़रूर करें, आप ज़रूर सफल होंगे और आपके जीवन में ज़रूर आप सफलता पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।